लविंग हार्ट्स, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली उनके लिए जो जल्द ही कोई ना कोई शादी अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि शादी का सीजन आ गया है जैसे कि तुमको पता होगा। तो वो चाहते हैं एक ऐसा मेकअप लुक जो कि वो आसानी से कर पाए, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हो, प्लस उसके साथ साथ वो जान पाए कि कौन कौन सी चीजें बाय करनी चाहिए, स्पेशली नौ सीखिया मतलब बिगनर्स के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो तुम्हारे लिए मददगार रहेगी और इससे तुमको आसानी हो जाएगी मेकअप सीखने की। और मैं ये मतलब गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर तुम इस वीडियो को अच्छे से डिटेल में देख लोगे तो तुमको और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे बेसिक चीज के बारे में जो कि है मेकअप प्रोडक्ट। तो एक एक करके मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगी मेकअप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हम मतलब शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो हम मतलब क्या लगाएं फेस पे या फिर हमको क्या क्या चीजें बाय करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं तुमको ए टू जेड सारी चीजें बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में जो कि है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तुम्हारी स्किन पे एक लेयर बनाता है जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करता है मेकअप हो गया और सारे केमिकल प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मस्ट है मॉइस्चराइजर। तो अगर मैं बिगनर्स के लिए बोलूँ तो अफोर्डेबल रेंज में चीजें मिलनी चाहिए, है ना, ये तुम्हारा हक है। तो इसीलिए मैं तुमको दो प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी। फर्स्ट है निविया का एक मॉइस्चराइजर क्रीम जो कि है 39 रुपीज का, है ना, 39 रुपए में तुमको मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। उसके अलावा तुम बाय कर सकते हो पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर जो कि इतने छोटे डिब्बे में आता है और वो 20 रुपीज समथिंग का है, तो तुम वो भी बाय कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है लिप बाम। तो लिप बाम तुम कोई भी ट्राई कर सकते हो, मेरे पे अभी है हिमालय का, ठीक है, बट तुम ट्राई कर सकते हो जैसे वैसलीन हो गई, ठीक है, घर में ही मिल जाती है, तो वैसलीन तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्राइमर। तो प्राइमर के लिए तुम कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पे ये वाला प्राइमर है, बट अगर मैं तुमको सजेस्ट करूँ एज अ बिगनर तो तुम एलोवेरा जेल लगा सकते हो, ठीक है, एवरग्रीन, और अफोर्डेबल भी है, 60 रुपीज का तुमको एलोवेरा जेल मिल जाएगा। उसके अलावा अगर तुम तब भी प्राइमर एक बाय करना चाहते हो तो तुम ब्लू हेवन का कर सकते हो, 300 रुपीज का है। इसके अलावा इनसाइड का कर सकते हो, वो भी 300 रुपीज में आ जाता है। अब आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है फेस से रिलेटेड। तो जैसे बहुत सारे बोलते हैं हम फाउंडेशन लगाएं या फिर बीवीएस सीसी क्रीम, अगर मैं तुमको एज अ बिगनर सजेस्ट करूँ तो बीवीएस सीसी क्रीम तुम्हारे परफेक्ट रहेगी। उसके भी बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन है तुम इसको डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज जा रहे हो वहां अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा तुम अगर इसकी दो लेयर अप्लाई करोगे तो तुम अच्छे से सारी पार्टी के लिए आराम से रेडी हो सकते हो। और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड मैंने फुल वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे जिसमें मैंने आफ्टर और बिफोर दिखाया है, तो तुम वो भी देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो जैसे तुमने ये अप्लाई कर दिया, इसके बाद है इसको सेट करना, ठीक है। सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका रीजन जैसे बहुत सारे ऑयली स्किन होती है, ठीक है, तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे ये वाली क्रीम वो निकलने लग जाती है। तो उसको सेट करने के लिए, लॉक करने के लिए फेस पे तुमको चाहिए पाउडर, ठीक है। तो पाउडर के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ व्हाइट टोन पाउडर और मैं तुमको भी ये रिकमेंड करूंगी, 80 रुपीज का है, तो तुम ये भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम और ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहते हो पाउडर से रिलेटेड, तुम्हारे घर में पॉन्ड्स होगा या फिर तुम्हारे घर में कोई भी पाउडर होगा ना, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम नई लेने की सोच रहे हो तो मैं व्हाइट टोन तुमको सजेस्ट करूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है कंसीलर। अब ये है एक ऑप्शनल प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि अगर तुम एक आई लुक करने की सोच रहे हो तो तुम पक्का है ये बाय करना, ये NYB का है तो तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो, शीट नंबर है 01, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है आई लुक से रिलेटेड। अब क्योंकि फेस हो गया है, अब आते हैं आई लुक पे। तो आईज में सबसे पहले हम आईब्राउज को फिल इन करेंगे। देखो आईब्राउज में अब ऐसा है कि अगर किसी की आईब्राउज ना नेचुरली अच्छी है तो उसको जरूरत नहीं है इस टाइप के पाउडर यूज करने की, बट अगर किसी की आईब्राउज पतली है तो वो ये बाय कर सकते हैं। और आईलाइनर, तो आईलाइनर हर किसी के पास होगा, ये पक्का है, किसी के पास लैक्मे होगा, मेरे पे 9 to 6 आईलाइनर है, तो तुम लाइनर में कोई भी चीजें बाय कर सकते हो। अब आता है आई लुक से रिलेटेड। और अगर तुम आई लुक कर रहे हो तुमको पता होगा आई शेडो पैलेट मस्ट होते हैं, जैसे तुमको अगर ड्रेस के अकॉर्डिंग जैसे मेरा पिंक कलर का आई लुक चाहिए तो उसके लिए मेरे को आई शेडो पैलेट की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि कोई एक ऐसा आई शेडो पैलेट सजेस्ट करो जो कि अफोर्डेबल रेंज में और जिसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हो, तो उसमें मेरे पे दो ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों, फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये। तो अगर मैं तुमको मैं बोलूं इन दोनों में से एक बाय करने का तो तुम ये करना, रीजन क्योंकि इसमें 16 कलर है, 16 इसमें भी है वैसे, ठीक है, बट ये है कि इसमें सारे वाइब्रेंट कलर है जो कि जैसे ग्रीन हो गया मेहंदी में, येलो हो गया हल्दी में, और
भी तुम्हारी ड्रेस है, सबसे ये मैचिंग करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो कि है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक तुम पे होगी, पक्का है मेरे को तुम पे होगी, क्योंकि हर किसी के पास होती है। तो तुम इस टाइप की बुलेट लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो, नॉर्मल जो हर किसी के पास होती है। इसके अलावा तुम लिक्विड लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हो, बट लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मस्ट है कि तुम लिप बाम लगाओ। तो यहाँ मैं सारे प्रोडक्ट जो कि मेरे को लगा कि बिगनर्स के लिए सही रहेंगे और अफोर्डेबल भी रहेंगे, वो सारे मैंने शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट जो मेन है जो कि है ब्लेंडिंग के लिए, वो है ब्यूटी ब्लेंडर। इसके अलावा नेक्स्ट है वो है ब्रशेस सेट। अगर तुम आई शेडो पैलेट बाय कर रहे हो ना, तो उनको ब्लेंड करने के लिए ब्रशेस हेल्पफुल रहते हैं, तो ब्रशेस तुम बाय कर सकते हो। यहाँ मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट तुमको सजेस्ट कर लिए हैं। अगर तुम शादी में जाने की सोच रहे हो तो इस टाइप से तुम अपना एक मेकअप किट तैयार कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर तुमको इसमें ए टू जेड सारी चीजें जाननी है, तो जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मैंने बताए हैं उसका एक लिस्ट बना देना, ठीक है। रीजन ये बनाने का, क्योंकि जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप तुमको बताते रहूंगी, तो तुम उस लिस्ट में देखते रहोगे कि हाँ ये यहाँ यूज कर रहे हैं ये। इसके अलावा अगर तुम किसी मेकअप स्टोर में चीजें बाय करने जाते हो, तो तुम्हारे पास अगर लिस्ट रहेगी तो तुम आसानी से बोल सकते हो तुमको ये चीजें चाहिए। नहीं तो अगर तुम्हारे पास लिस्ट या कुछ नहीं है, तो वो तुमको कोट करेंगे अपनी चीजें कि ये ले लो या ये ले लो, और लास्ट में वो रिएक्शन करती है फेस में। इसके अलावा सारा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, और जो चीजें बाय करनी थी वो नहीं कर पाते हैं, और कुछ भी अनाप शनाप ला देते हैं। इसीलिए मैंने बोला था एक लिस्ट बना देना, अगर तुम सोच रहे हो कहीं शादी में जाने की और मेकअप से रिलेटेड शॉपिंग करने की सोच रहे थे, तो लिस्ट पक्का बना लेना। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप, ठीक है। तो मेकअप में पहले अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर, मस्ट है। नेक्स्ट स्टेप है लिप बाम। तो लिप बाम के लिए मैंने ये यूज किया है हिमालया का। तो यहाँ मैंने लिप बाम अप्लाई कर दिया है, सेकंड स्टेप डन हो गया है। एंड अब आता है थर्ड स्टेप जो कि है प्राइमर या फिर एलोवेरा जेल, मैंने तुमको सजेस्ट किया। तो यहाँ पे मैंने फेस पे एक लेयर बना दी है, जिससे मेकअप या फिर केमिकल प्रोडक्ट मेरे फेस पे उतना इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आईज में मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, वो था कंसील। तो कंसीलर अप्लाई करना मस्ट है अगर तुम कोई आई लुक ट्राई कर रहे हो। यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया है कंसीलर। और कंसील करने के बाद तुमको उसको सेट कर देना है, नहीं तो वो पैची सा होने लगेगा, ठीक है। तो सेट करने के लिए मैं यहाँ नॉर्मल पाउडर यूज कर रही हूँ, जो कि व्हाइट टोन इस टाइप का है, जैसे और पाउडर दिखते हैं सेम वैसी है। तो अब तुम देख सकते हो मेरी आईज और फेस का जो टोन है वो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है आफ्टर कंसील और उसको पाउडर करने के बाद, है ना। और अब स्टार्ट करेंगे अपना आई लुक। यहाँ मैंने आई लुक कंप्लीट कर दिया है। अब ये आई लुक अगर तुम करना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये आई लुक मैंने किया है वो शेयर किया है। अब तुम बोलोगे इस वीडियो में शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। दैट्स व्हाई मैंने सोचा आई लुक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जो कि आई लुक करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं जो कि आईज को न्यूट्रल रखना चाहते हैं एंड सिंपल आई लाइनर अप्लाई करके डन कर देते हैं अपना मेकअप। तो उसी वजह से मैंने ये आई लुक अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो में रखा है, जो कि इस वीडियो के जस्ट बाद आ जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम इस आई लुक में इंटरेस्टेड हो, तो वो वीडियो तुम देख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, बट तब जब वो वीडियो आ जाएगी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस अब आ रही है फेस से रिलेटेड। तो फेस से रिलेटेड मैं यूज कर रही हूं ग्लो की डेली क्रीम, और इसको मैं अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करूंगी फेस पे। और तुम इसकी दो लेयर अप्लाई कर सकते हो अच्छे से, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की है। इसको मैं ब्लेंड करूंगी इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, क्योंकि ये अच्छे से ब्लेंडिंग कर देता है। मैं तुमको यहाँ पे ही दिखाऊंगी कि इससे पहले जो मैंने अप्लाई नहीं किया था सीसी क्रीम कैसा फेस लग रहा था, और अब मैंने अप्लाई कर दिया तो कैसा लग रहा है। मैंने जब ये वाली क्रीम अप्लाई की डेली वाली, एंड इसमें मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ मैंने लोटस की क्रीम अप्लाई कर दी है जैसे कि तुम देख सकते हो। और अब जो मेन चीज है वो है थोड़ा सा ये लेके, तुमने जैसे बहुत सारे होते हैं यहीं तक अप्लाई करते हैं, उस वजह से क्या जो ऊपर वाला जो एरिया रहता है ना वो डार्क दिखता है, उस वजह से
पूरा ओवर वाला लुक देता है। इसी वजह से तुमको थोड़ा सा लेके यहाँ यहाँ साइड पे अच्छे से अप्लाई करना है और ब्लेंड कर देना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तुम चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। एंड अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है बेकिंग वाला स्टेप। तो बेकिंग के लिए मैं ये वाला पाउडर यूज करूंगी। इसमें तुमको क्या करना है, सिंपल पाउडर लेना है, कोई भी ले सकते हो तुम। पॉन्ड्स वगैरह जितने भी मैंने सजेस्ट किए हैं प्रोडक्ट पहले, तो उनमें से कोई भी ले सकते हो। और उसको तुमने इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर में लेना है एंड तरीके से अपने आईज के नीचे अप्लाई करना है। इसके साथ साथ इस साइड जिधर डार्क एरिया तुम्हारे हो रखे हैं वहां साइड तुमको अप्लाई करना है एंड थोड़ा थोड़ा सर पे और गाल पे भी अप्लाई कर देना है। और इसके बाद तुमको इसको ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर देना है, मतलब हटा देना है। और अब आता है लास्ट स्टेप पे जो कि होगा लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लड लिपस्टिक जो कि नॉर्मली हर किसी के पास होगी। देख सकते हो ये लिपस्टिक इस आई लुक के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई मैं ये वाली लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ और ये एक ब्राउन शेड। तो ये है मेरा फाइनल लुक। फाइनल लुक आई होप तुमको पसंद आया होगा। और अगर तुम इस तरीके से जो मैंने तरीका अभी तक बताया है उस तरीके से फॉलो करोगे तो ये होगा फाइनल लुक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर तुम डिटेल में ये आई लुक भी देखना चाहते हो तो इससे रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जो इस वीडियो के बाद आ जाएगी। तो उसमें मैंने ये पूरा आई लुक शेयर किया। आसान है पर अच्छे से अगर तुम करोगे तो ही होगा। तो बस तुम उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके अलावा अगर तुम्हारी और सारी रिक्वेस्ट है मेहंदी से रिलेटेड कोई आई लुक या फिर हल्दी से रिलेटेड कोई आई लुक देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।